उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर यानी बुधवार को उपचुनाव हुआ। मतदान के बाद शाम को एग्जिट पोल आए। एग्जिट पोल को लेकर प्रदेश के मतदाता ही नहीं बल्कि पार्टी के नेता भी उत्सुक हैं। इन सीटों पर कुल 34,35,974 मतदाता हैं। 11 महिलाओं समेत 90 प्रत्याशी मैदान में हैं। सबसे ज्यादा मतदाता गाजियाबाद और सबसे कम सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र में हैं। यूपी में फूलपुर, गाजियाबाद, मझवा, खैर, मीरापुर, सीसामऊ, कटेहरी, करहल और कुंदर की विधानसभा सीटों पर उपचुनाव संपन्न हुए। सभी सीटों पर सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी के बीच माना जा रहा है। हालांकि मैदान में बहुजन समाज पार्टी भी के अलावा कई अन्य निर्दलीय उम्मीदवार भी हैं, लेकिन टक्कर केवल दो के बीच मानी जा रही है। अब आपको बताते हैं क्या कहते हैं एग्जिट पोल। मैट्रिज एग्जिट पोल ने अपने अनुमान का ऐलान करते हुए एनडीए को 7 और इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीट दी है। टाइम्स 9 जेवीसी ने इंडिया गठबंधन को 3 और एनडीए की झोली में 6 सीट जाने का अनुमान जताया है। जी न्यूज के एग्जिट पोल में एनडीए को 5 तो इंडिया गठबंधन को 4 जीतों पर बढ़त है। यूपी विधानसभा में भाजपा के सबसे अधिक 251 विधायक हैं। मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के 105, अपना दल के 13, रालोद के 8, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के 6, निषाद पार्टी के 5, कांग्रेस और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के पास 2-2 और बसपा के का 1 विधायक है। फिलहाल 10 सीट खाली हैं, जिनमें से 9 पर आज मतदान हो गए हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।